आइस है कितना पे? -20 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है सबको? दिख रहा है हाँ सर, सबको? यस यस सर, यस सर। चलिए बोलते चलिए, आप बोलते चलिए, बता चुका हूं। आई हीट लेगा, कितना हीट लेगा? Q1 मैंने बोला, नन क्या होगा, कहां तक जाएगा? जल्दी बोलो, कहां तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, आई जीरो डिग्री सेल्सियस, फिर हीट लेगा, जल्दी बोलो। वाटर बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर मारेंगे बहुत मार, 100 बोला तो। वाटर 0 डिग्री, चलो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर क्लियर हंड्रेड क्लियर डिग्री सेल्सियस यस यस सर, कोई डाउट? नो सर, आगे बोलिए, नो। आगे बोलिए। और फिर वेपर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, वेपर 100 डिग्री, वेपर या स्टीम जो बोल वेपर लो, कितना पे? 100 डिग्री, डिग्री आगे हंड्रेड बोलिए, डिग्री आगे बोलिए। सुपर सुपर हीटेड हीटेस्टेड 150 डिग्री सेल्सियस, इसे नीचे लिख देता हूँ, 150, 180, 120 कुछ भी हो हाँ सकता है, ठीक है ना? यस सर, कितना? यस या Q3, Q4, Q5 कितना होगा बेटा? सुपर हीटेड 150, स्टीम 150 150, डिग्री सेल्सियस, कुछ भी ले सकता हूं। क्या यह चार्ट सबको समझ में आया? क्या यस सर, यह चार्ट सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर, यस चलिए सर, बहुत सर अच्छे फिर से एक बच्चे। बार पढ़ो ना। हाँ फिर से मैं बता रहा हूं, आइस है कितना पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? सर आई थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अच्छा 1 मिनट रुको, अब दिख रहा है क्लियर या अभी भी दिक्कत है? यस सर, क्लियर दिख रहे, दिख रहे, दिख हाँ रहे, अब क्लियर है ना? हाँ यस अब क्लियर, बताइए बेटा, देखिए आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे है। आपको बता चुका हूं कि वाटर का, मैं पहले बता चुका हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से क्या सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, बता चुका हूं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस बेटा। अरे इसी को, सॉरी सॉरी, इसी को कहते हैं, इस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट, इस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट, जो कि बता चुका हूं, लैटेंट हीट बता चुका हूं, बता चुका हूं ना? यस सर, लैटेंट हीट में बता किसी को डाउट है तो बोलो, चुके, नो सर, लैटेंट हीट में किसी को डाउट है तो बोलो, नो तो मैं बढ़ू सर, आगे। यस सर, चलिए यस अब देखिए, आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पे, हीट लेकर कहां पे आएगा? 0 पे। क्यों 0 पे आएगा? क्योंकि लैटेंट क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? 0। किसका? वाटर का। क्लियर? तो यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा? क्या होगा? फेज चेंज होगा। यह क्या है, कौन सा फेज है? यह कौन सा फेज है? सॉलिड। यह कौन सा फेज है? यह क्या है? सॉलिड। क्या सॉलिड, है? सॉलिड। सॉलिड या क्या सॉलिड, होगा? लिक्विड। लिक्विड या क्या है? लिक्विड लिक्विड। दिख रहा है ना? लिक्विड लिक्विड, लिक्विड। यस सर, यस या क्या है? यस यस, गैस। या गैसियस, क्या है? गैस। मेरी गैसियस, बात ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक इस हीट को क्या कहते हैं? इंटरनल हीट एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल, मैं बता चुका इंटरनल हूं, हीट, इंटरनल हीट इंटरनल एनर्जी बता चुका हूं। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट फ्यूजन, ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं बेटा? फ्यूजन। फ्यूजन, पता है ना? पता है ना? यस 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 सर, इसको पता है, क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इंटरनल हीट एनर्जी, हाँ, इंटरनल हीट एनर्जी, इंटरनल हीट एनर्जी। एनर्जी, क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ बहुत अच्छी वेपराइजेशन, बात, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट हीट ऑफ ऑफ वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, और इसको क्या कहेंगे? इंटरनल हीट एनर्जी। क्लियर क्लियर यस क्लियर? यस तो बोलो ना, हाँ या यस ना? सर, चलो यस सर,
अब Q1 का फॉर्मूला बताओ, Q1 का फॉर्मूला बताओ जल्दी। m into c into delta t। अरे वाह, मास ऑफ आइस, c ऑफ आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर। कोई डाउट? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब जीरो माइनस ट्वेंटी। कोई डाउट? नो सर। बढ़ू आगे? यस सर। बढ़ू आगे? यस सर। मैं ये भी बता चुका हूँ, मैं ये भी बता चुका हूँ कि c of ice क्या होगा, बता चुका हूँ। यस। कितना? वन बाय टू, वन बाय टू क्या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बताया था? यस सर। बताया था कि नहीं? यस सर, बताया था। या इसी को आप लिख सकते हो 2100 जूल पर केजी केल्विन। लिख सकते हो? यस सर, लिख सकते हो। Q1 हो गया, Q1 हो गया। नए बच्चे जो हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो सकता है सर, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए मैं रफ करूं बेटा, रफ करूं इसको। Q1 मैंने लिख दिया, Q1 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए Q2, Q2, Q2 का फॉर्मूला जल्दी बोलो। Q2 mass of ice into latent heat of fusion। LF को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। इसका वैल्यू क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम, या एसआई में मैंने बता चुका 3.36 इंटू 10 रेस पावर 6 जूल। बोलिंग मिस्टेक, जूल पर। रब करूं बेटा दो। या Q2 रहा, या Q2 रहा। 3.36 से क्या? हाँ 3.36, एक मिनट। दिख रहा है बेटा? यस सर। बढ़ो आगे। यस सर। चलो Q3, Q3 जल्दी बोलो। Q3, Q3 डायग्राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। C into delta T। गुड, बहुत अच्छी बात। C into delta T। मास, अब देखो M into C into delta T। M क्या होगा? मास, आइस होगा कि वाटर होगा? वाटर। आइस होगा तो क्या गलत हो जाएगा? यस यस सर। यस सर। सर क्योंकि वो बेटा रे, मैंने बताया था जो मास का जो मास आइस लेंगे उतना ही मास वाटर बनेगा, और उतना ही मास वेपर बनेगा। मास पे कोई चेंज ऑफ टेंपरेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान में रख लो। तो आप आइस लिखो या वाटर लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है ना? मास ऑफ वाटर, जो आइस होगा वही मास ऑफ वाटर होगा। सी ऑफ वाटर याद है आपको, बताया गया है 536। मारेंगे ना? चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 4200। दो मिनट सर, लिख रही हूँ। अच्छा, नए बच्चे को दिक्कत आ रही है क्या? थोड़ा नीचे। हाँ बेटा, हाँ। नो सर, सर थोड़ा नीचे। सर मुझे आ रही है दिक्कत। क्या नाम है आपका? अभिजीत सर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर। बेटा रे, लैटेंट हीट आपने, लैटेंट हीट आपने नहीं पढ़ा। आप कौन से क्लास में हो? नाइन्थ में हो सर। अच्छा अच्छा। लैटेंट हीट सर बीच में से शुरुआत से नहीं हुआ था लेक्चर, इसलिए। एक काम करिए आप, लेकिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या करूं, इसका क्या उपाय? फिर से पढ़ाऊं या अलग से आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूं और सुबह वाले बैच में पढ़ा दूं? हाँ चलेगा सर, सुबह वाले बैच में पढ़ा दूं, ठीक है ना? हाँ सर। चलो आगे बोलिए, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। Q4 जल्दी बोलिए, Q4 जल्दी बोलिए, बोलिए। m into मास ऑफ वाटर बोलो, स्टीम बोलो, जो बोलना है। लेटेंट हीट ऑफ lv कितना वैल्यू होगा lv का, जल्दी बोलो। 536 कैलोरी पर ग्राम। या
बोलो 2.25 to 10 power 6 जूल पर केजी। बहुत अच्छी बात, रफ करू। चलिए Q5 बहुत अच्छी बात। M बोलो C steam into delta T। C steam का वैल्यू बता चुका हूँ कितना, 0.46 या 47 जो बोल लो, क्या कैलोरी पर ग्राम डिग्री SI मुझे याद नहीं, 1900 के करीब आता है शायद, 1974 हाँ जो भी याद है, मुझे याद नहीं है, लिख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चार्ट था और मैं अभी ग्राफ बताने जा रहा हूं। ग्राफ के बाद तुम लोग को डायरेक्ट नीट का और जेई का क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद देखो ये नीट क्वेश्चन बैंक है, दिख रहा है ना, अरे नीट का क्वेश्चन बैंक दिख रहा है ना, यस सर, इसी से क्वेश्चन कराएंगे अभी जस्ट 2 मिनट में। चल रफ करूं, हाँ सर चल रफ कर रहा हूं। अब चार्ट देख लो, चार्ट देखो, चार्ट दिमाग में है, चार्ट आप लोग अपने सामने खोल लीजिए क्योंकि बिना चार्ट का कुछ नहीं समझ में आएगा। चार्ट खोल लीजिए अपने कॉपी के सामने, चार्ट खोल लीजिए। हो गया, मैं बढ़ूं आगे? Yes. मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. अब देखिए कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा, सिर्फ देखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा, सिर्फ आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यह हीट है, हॉरिजॉन्टल हीट है, यह हीट का ग्राफ है और यह टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है? ठीक है, यस। अरे ध्यान दो से भी लोग, इधर ध्यान दो, यह हीट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इधर क्या रिप्रेजेंट होगा, हीट, इधर क्या रिप्रेजेंट होगा, हीट, और इधर क्या रिप्रेजेंट होगा, हीट, टेम्परेचर, कोई डाउट ना सर, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर क्या होगा, टेम्परेचर पॉजिटिव, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव, टेम्परेचर नेगेटिव। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। भाई रिप्लाई नहीं करेंगे तो बेमजा हो जाएगा। यह हीट का ग्राफ है, यह रिप्रेजेंट हीट करेगा और यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्लियर, टेम्परेचर, हाँ सर। अब हमारे जो अभी हमने चार्ट बनाया था उसमें टेम्परेचर कितना लिया था स्टार्टिंग का, -20 डिग्री, ऊपर आएगा नीचे आएगा, नीचे, नीचे, पक्का, यस सर, पक्का, यस, चलिए, मैंने ध्यान दो सब लोग, मैंने इसको -20 ले लिया, कितना लिया, -20, सपोज किया कि यह -20 है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, नो सर, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद का ग्राफ कैसा जाएगा, दिमाग थोड़ा सा खोल के बताओ, जवाब देने की कोशिश करो, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है -20 से 0, -20 से 0 क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं, बढ़ेगा, हीट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इस केस में बड़ा सर, दोनों बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा और हीट भी बढ़ा। अब देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अगर मैं ग्राफ ऐसे खींचूं तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है बेटा, बहुत अच्छी बात बोले, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, यहां से यहां तक देखो हीट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इतना हीट होगा, इतना हीट होगा, टेम्परेचर कितना बता रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया क्या, अगर मैं ऐसे करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
बोलिए तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? हेलो आ गए, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ देखो देखो, प्लीज 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 ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेम्परेचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, कोई डाउट? कोई डाउट? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीजिंग? अब बताइए इस केस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो। अब बताइए माइनस 20 से जीरो क्या होगा टेम्परेचर? यह ग्राफ होगा, यह ग्राफ होगा, यह ग्राफ इंक्रीजिंग। क्या हर बच्चे को क्लियर हुआ? क्या हर बच्चे को क्लियर हुआ? क्या यह बात हर बच्चे को क्लियर हुआ? यस सर। लिखना चाहोगे या मैं रफ करूं? इसको लिखना चाहोगे या मैं रफ करूं? यस सर, लिख रहे, लिख रहे, ऑलरेडी लिख लिया है। पढ़ूं आगे? यस सर। चल मैं रफ करूं, इसको रफ, एक मिनट सर। हाँ जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए। ओके रफ कर दूं? यस यस सर, करिए। कर दिया। तो हमारा ग्राफ कैसे होगा यहाँ के बाद? कहाँ तक जाएगा? माइनस 20 से कहाँ तक जाना है? जीरो डिग्री। या जीरो है ना, या जीरो है ना। अब बताइए आगे का ग्राफ कैसा होगा, सोचिए तो। जीरो कांस्टेंट हो जाएगा तो कैसा ग्राफ जाएगा बेटा? स्ट्रेट। देखो तो, देखो देखो तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, या ऐसा जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? जीरो डिग्री। या कहाँ तक जाएगा? जीरो डिग्री। मारेंगे ना? जीरो डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर बच्चे को ये बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर आइस था, जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर है, हीट जा रहा है, हीट हो रहा है। देखो यह हीट है, यहां से यहां तक हीट है, यहां से यहां। मयूरेश, मयूरेश, मयूरेश। हेलो सर। हाँ, दैट हीट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीट? कॉन्स्टेंट। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीट एनर्जी बताओ? जल्दी बताओ अनुष्का। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इसको? लैटेंट हीट ऑफ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रुक जाओ, तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, तुम लोग कहां तक बोल रहे हो? तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, अभी तुम लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन, तब आप लोग को पता चलेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा आप बताइए? अब आगे नहीं बताऊंगा मैं, अब बताइए क्या होगा? 100 डिग्री। ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, पैरेलल जाएगा, पक्का? पक्का, सियोर हो? सियोर हो? यही ग्राफ होगा क्या? ऊपर जाएगा। सियोर हो कि नहीं हो? सच सच बताना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे का ग्राफ कैसा होगा बताइए?
कांस्टेंट 100 तो कैसे 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 लिखेंगे कैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन निकालो सर बराबर सर इसका टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा ऊपर जाएगा सर इंक्रीज होगा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा कुछ भी हो सकता है हमने क्या माना कुछ भी 150 हर बच्चे क्लियर है क्लियर है क्या हमारे क्लास का सभी बच्चे क्लियर है सच्चाई बताना सर अच्छा अब यहाँ पे बताओ अब यहाँ पे बताओ इस हीट का नाम बताओ क्या नाम दूँ इस हीट का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको यह समझ में ना आया हो ए वर्ड या क्यों ऐसा दिया यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नो सर नो सर इस ग्राफ को क्या नाम दूं इंटरनल हीट क्या कोई किसी बच्चे को डाउट नो सर रुक जाइए अभी रुक जाइए यहाँ पे कौन सा स्टेट है यहाँ पे कौन सा फेज है यहाँ पे कौन सा फेज है बोलिए बेटा सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा तो उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे आएगा इंटरनल हीट ऑफ एनर्जी आएगा ना आया ना बेटा यह कौन सा ग्राफ है यह किसका ग्राफ है मैंने वो देखा है यह किसका ग्राफ है बोलो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब बोलो इंटरनल हीट एनर्जी होगा कि नहीं होगा हेलो आवाज आ रही है हेलो ये भगवान क्या हो रहा है रे भाई हेलो बच्चे